भाई आप देखे होंगे टॉय की तरफ से टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर ऑल इंडिया का, ओके टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार लोगों का लिस्ट जारी किया गया है। अगर मैं आपको यूं ही पूछूं कि सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने का ही है ये, फर्स्ट सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, ओके तो सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा चाहिदा, सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी किसका होना चाहिए, मतलब किसका रुतबा था ज्यादा, तो बेशक शाहरुख खान सर का होना चाहिए। जैसे कि उनका 7 सितंबर को फिल्म रिलीज होता है जवान, और 1000 करोड़ के पार चला जाता है, तकरीबन 1200 करोड़ तक की कलेक्शन किया है, ओके। लेकिन गाइज वो तीसरे नंबर पे है, ओके वो तीसरे नंबर पे है, और पहले नंबर पे प्रभास है। मैं तो खुद ही चौंक गया भाई, देखो 28 सितंबर को सलार मूवी रिलीज होनी थी, ठीक है, सलार मूवी रिलीज होनी थी, और सलार मूवी जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाती है बदनाम होकर के, कि जवान का ट्रेलर देख करके सलार मूवी जो है पोस्टपोन्ड हो गया, इस तरह की बदनामी चल जाती है। लेकिन फिर भी सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है प्रभास का, क्यों? क्योंकि भाई वहां पे एक जबरदस्त खेल हुआ। मैं थोड़ा सोचा तो मुझे पता चला कि सितंबर के लास्ट में शायद 27 और 28 या 25 सितंबर को ये अनाउंसमेंट रिलीज डेट, मतलब इनकी जो न्यू अनाउंसमेंट जो हुआ था, मतलब रिलीज डेट का 22 दिसंबर को सलार मूवी आ रही है बोल करके, तो सितंबर के लास्ट में ये जो अनाउंसमेंट कर दिए ना कि 22 दिसंबर को सलार मूवी रिलीज हो रही है बोल करके, तो भाई वो जो अनाउंसमेंट ना, सितंबर का पूरा पॉपुलैरिटी प्रभास को दे दिया गया, क्योंकि जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, एक पोस्टर जारी किया गया एकदम से ब्लडबाथ वाला, खतरनाक खुखार वाला, और वो पोस्टर और रिलीज डेट भाई साहब इतना खतरनाक हुआ, इतना खतरनाक हुआ कि सितंबर का मोस्ट पॉपुलैरिटी प्रभास को मिल गई, मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार के लिस्ट में नंबर 1 प्रभास हो गए। इससे पहले देखो अगर हम बात करें अगस्त की, तो इससे पहले सितंबर से पहले थलापति विजय सर थे, वो हमेशा नंबर 1 में ही आते हैं, हमेशा आते ही हैं, मतलब रोजाना आते हैं, लेकिन इस बार सितंबर में वो 2nd नंबर पे हैं, 3rd नंबर पे शाहरुख खान है, और नंबर 1 पे प्रभास है, और 4th नंबर पे बेशक रजनीकांत सर हैं, जिस तरह का जेलर मूवी काम किया, जिस तरह से भाई लोगों को पसंद आया, तो 4th नंबर पे नहीं, 4th नंबर पे जूनियर NTR है शायद, और 5th नंबर पे रजनीकांत सर है। मैं यहाँ पे पोस्टर लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, ओके। तो गाइस यहाँ पे एक शॉकिंग वाली बात ये है कि शाहरुख खान सर का मतलब जवान मूवी पूरा का पूरा सितंबर महीना चला है भाई, लेकिन फिर भी प्रभास नंबर 1 पे ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर ये देख चुके थे और आप देख करके अभी हैरान हो रहे हो कि नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।